आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फिल्मी सितारों की जिन्होंने तय किया जमीन से आसमान तक का सफर। अक्सर हम अपनी सफलताओं का जिम्मेदार अपनी किस्मत को ठहरा देते हैं, मगर ये सही नहीं है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। हमारे बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर या सिफारिश के सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। उस लिस्ट में पहला नाम आता है किंग खान, शाहरुख खान का। आज करोड़ों दिलों पर राज करने वाले किंग खान ने फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखने से पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला था। उन्होंने पंकज उदास के कॉन्सर्ट में काम करके सबसे पहले सैलरी 50 रुपए कमाई थी। नंबर दो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर से फेमस होने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने परिवार को पालने के लिए मेडिकल स्टोर पर काम करने से लेकर वॉचमैन की नौकरी तक करी और आज नवाज बॉलीवुड में सबसे ज्यादा डिमांड में है। नंबर तीन, अक्षय कुमार। फिल्म दुनिया के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की जिंदगी भी कम संघर्ष वाली नहीं थी। बैंकॉक में उन्होंने होटल में बर्तन साफ करने और वेटर के तौर पर काम किया। इस काम के उन्हें 1500 रुपए दिए जाते थे और उन्हें किचन के फर्श पर सोना पड़ता था। नंबर चार, रजनीकांत। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत एक वक्त पर बस कंडक्टर का काम भी कर चुके हैं। परिवार को सहारा देने के लिए उन्होंने कुली का भी काम किया। इसके बाद कन्नड़ के नाटकों में उन्हें छोटे छोटे रोल ऑफर किए जाने लगे। नंबर पाँच, अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी भी संघर्षों से भरी हुई रही। इलाहाबाद से मुंबई आने के बाद उनके पास रहने की जगह नहीं थी। कई रातें उन्होंने मरीन ड्राइव की बेंचों पर बिताई। अमिताभ की पहली सैलरी 300 रुपए थी। नंबर छह, बमन ईरानी। कई बेहतरीन फिल्मों में शानदार एक्टिंग कर चुके बमन ईरानी एक वक्त में ताज होटल में वेटर और हाउसकीपिंग का काम कर चुके हैं। नंबर सात, अरशद वारसी। मूवीज में आने से पहले अरशद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने घर घर जाकर सेल्स पर्सन के रूप में काम किया। नंबर आठ, जॉनी लीवर। फिल्मों में लोगों को हंसाने के लिए फेमस जॉनी लीवर पहले मुंबई की सड़कों पर पेन बेचा करते थे। नंबर नौ, दिलीप कुमार। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य दिलीप कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था। दिलीप साहब फल बेचकर और कैंटीन में काम करके अपना घर चलाते थे। नंबर 10, मिथुन चक्रवर्ती। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती जब मुंबई आए तो उनके पास रहने का इंतजाम नहीं था और वे पानी की टंकी और बिल्डिंग की छतों पर सोया करते थे। उनको उनके रंग की वजह से भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और अपना पेट भरने के लिए वो पार्टियों में डांस किया करते थे। ऐसे ही बॉलीवुड गपशप पाने के लिए हमारे चैनल फिल्मी टॉप टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।